नमस्कार, रेड 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कांची बजाज। बात करते हैं रीवा जिले की। शिव अवतार आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार प्रमुख मठों में से ऋग्वेद से संबंध गोवर्धन मठ पुरी जगन्नाथ के जगत गुरु शंकराचार्य निष्ठलानंद सरस्वती महाभाग का मंगलमय पदार्पण रीवा की धरती में 14 अप्रैल की सुबह होने जा रहा है। महाराज बिलासपुर से रीवा ट्रेन द्वारा सफर करके सुबह 5:55 में पहुंचेंगे। वहां जय घोष के साथ आदित्य वाहिनी एवं आनंद वाहिनी स्वागत करेगी। महाराष्ट्र रेलवे स्टेशन से विशाल गाड़ियों के काफिले के साथ उनके आवास स्थान शास्त्री भवन अवैया लाया जाएगा। इस दौरान वो शास्त्री भवन में रुकेंगे, जहाँ मध्याह्न 12 बजे पत्रकारों से चर्चा करेंगे। साथ ही मंत्र दीक्षा व गोष्ठी में भक्तों को दर्शन मार्गदर्शन देंगे। 14 तारीख की शाम 5 बजे कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक विशाल धर्म सभा आयोजित की गई है, जिसे संबोधित करेंगे उक्त जानकारी आदित्य वाहिनी एवं आनंद वाहिनी के संयोजक डॉक्टर आशीष द्विवेदी और जिला संयोजक आनंद वाहिनी डॉक्टर मीनाक्षी मिश्रा ने दी है। शंकराचार्य भ्रमण करते हैं उड़ीसा से लेकर नेपाल तक, उनकी सत्ता रहती है गोवर्धन मठ की, तो वहाँ सब सब जगह से शिष्य इकट्ठा होंगे। उनके साथ कोठारी जन चलते हैं, उनके अनाज जहाँ रहते हैं वहाँ से पाएंगे, पर उनका जो रसोई होता है, क्योंकि वो सन्यासी हैं, वो आग का भी सन्यास ले चुके हैं, तो वो अग्नि को स्पर्श नहीं कर सकते, तो उनके साथ जो कोठारी जन रहेंगे वो उनका सब देखेंगे पाक शास्त्र वगैरह। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, चारों मठ में ही अधिकार है जगत गुरु लगाने का, और जो शंकराचार्य 81 साल की उम्र में बिल्कुल निर्विवाद निर्लिप्त रहे हैं वो है श्री निश्चलानंद सरस्वती महाभाग। ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद है उससे संबद्ध ये गोवर्धन मठ, जिसके पहले आचार्य रहे पद्मपादाचार्य आदि शंकराचार्य के शिष्य, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती 145वें स्थान के शंकराचार्य हैं, और इस वक्त हिंदुस्तान में ऐसे बहुत कम धर्मगुरु हैं जो व्यवहारिक दार्शनिक और सैद्धांतिक धरातल को सामंजस्य बिठा करके बोलते हैं, इनमें से ये एक है। बाइनरी सिस्टम हम और आप जानते हैं 0 और 1, जिसमें सुपर कंप्यूटर्स चलते हैं। स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी जो पूर्व शंकराचार्य थे और स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जो अभी के शंकराचार्य हैं, उनके सिर्फ 0 और 1 पे 18 ग्रंथ हैं, जिससे भारत का सबसे प्रथम सुपर कंप्यूटर बना था। इसरो की बात करें तो शर्मा जी और अब्दुल कलाम जी इनके शिष्य रहे हैं, और जब चंद्रयान 2 फेल हुआ तो साइंटिस्ट उनके पास गए कि यहाँ फिजिक्स में हमसे कहाँ गलती हो गई। उन्होंने गलती निकाली और ये जग प्रसिद्ध है, टाइम्स ऑफ इंडिया में इसके बारे में लिखा भी गया है। तो वो तो है ही, अब शास्त्र देखा जाए तो जब शंकराचार्य आते हैं, पुरी के शंकराचार्य को जगन्नाथ जी का चलित विग्रह माना जाता है, माने अगर कोई पूरी ना जा पाए जगन्नाथ के दर्शन के लिए, अगर वो शंकराचार्य के दर्शन कर लेता है तो उसे जगन्नाथ के दर्शन का फल प्राप्त होता है, और ये पद्म पुराण में लिखा गया है। दूसरी बात ये है कि शंकराचार्य का जो दंड होता है उसे विष्णुलिंग कहा जाता है, जो श्रीमन नारायण से चला आता है वो विष्णुलिंग के दर्शन मात्र से विश्व के सारे तीर्थों का फल माना गया, और जहां वो रुकेंगे वहां वो विष्णुलिंग भी उनके साथ ही चलेंगे। तीसरा है कि भगवान शंकर ने स्वयं चारों मठ के जो आदि शंकराचार्य थे उनको 5 शिवलिंग दिए थे। आदि शंकराचार्य ने जब 4 मठ की स्थापना की तो चारों शिष्यों को 4 शिवलिंग दिए, एक एक शिवलिंग दिए, एवं 5वां शिवलिंग नेपाल के राजा के पास रहता है क्योंकि वो हिंदुत्व के संरक्षक माने जाते हैं, तो वो लिंग को चंद्रमौलेश्वर माना जाता है। उस लिंग का तेज 12 ज्योतिर्लिंग के तेज को समाहित करके बनाया जाता है। तो जब स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी आएंगे तो उनके साथ उनके चंद्रमौलेश्वर भी पधारेंगे रीवा। और आखिरी बात यह है कि श्रीमन नारायण की जो चरण पादुकाएं हैं, जो श्रीमन नारायण से चलती है गुरु परंपरा, उसमें आदि शंकराचार्य 10वें स्थान पे हैं और जो निश्चलानंद जी महाराज है वो 155वें स्थान पे, क्योंकि आदि शंकराचार्य से निश्चलानंद जी का स्थान 145वां, पर अगर श्रीमन नारायण से बात करी जाए तो उनका स्थान 155वां। तो वो जो चरण पादुका है जिनका शंकराचार्य स्वयं 3 बार दिन में पूजन करते हैं, वो चरण पादुकाएं भी रीवा आएंगी और उनके पूजन का लाभ, चरण पादुका के पूजन का लाभ सबको सुलभ हो पाएगा और उनके दर्शन भी सबको सुलभ हो पाएंगे। बाकी
माननीय प्रभाकर सर बता चुके हैं, माननीय राजगोपाल जी बता चुके हैं, उनके बगल में ही रहती हैं। स्वरूप उनके गुण सूत्रों को निकाल करके और जो पद्धति दिया वही पद्धति है। तो केवल आध्यात्मिक रूप से नहीं बल्कि आज जो अभी का जो हमारा साइंस है, विज्ञान है, उस विज्ञान के भी बहुत बड़े जानकार हैं। अभी थोड़े समय पहले बात हो रही थी कि नासा के जो हमारे वैज्ञानिक हैं अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी स्पेस के संदर्भ में, अंतरिक्ष यान के संदर्भ में और मिसाइलों के संदर्भ में उनसे बात किया, उनसे मशविरा लिया, उनसे सलाह लिया, उनकी सलाह का अमल में लेने के बाद उनके परिणाम मिले। ऐसे महापुरुष का हमारे जी तो ऐसे महापुरुष और दिव्य पुरुष का रीवा में आगमन हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। और ये कार्यक्रम बनाने से नहीं बना, अकस्मात बन गया। ये 14 तारीख को आ रहे हैं, 14 तारीख को 5:55 पर बिलासपुर एक्सप्रेस जो आती है स्टेशन पर आएंगे और सुबह, और वहाँ से उन्हें आदरपूर्वक अमहिया में शास्त्री भवन है, पंडित राम सागर शास्त्री जी हैं, वे उनके गुरु भाई भी होते हैं, तो उन्हीं के निवास में उनके ठहरने का कार्यक्रम बना है, वहीं ठहरेंगे। और उसके आगे के जो कार्यक्रम हैं वो सब सुनिश्चित हैं और वो लिपिबद्ध भी हैं, अभी आप लोगों को जानकारी उसमें मिलेगी किस तरह से। पहले तक उनका जो भी कार्यक्रम है वो सब जानकारी में आएगा, किस तरह से उनका आना है जाना है, क्या करेंगे, कहाँ ठहरेंगे, किन लोगों से मिलेंगे और उनका शोभा यात्रा किस तरह से होगी, कलश यात्रा किस तरह से होगी, जो कृष्णा राज कपूर स्टेडियम में एक आध्यात्मिक संगोष्ठी है, उस संगोष्ठी में उनका जाना और कैसे लोगों से, प्रबुद्ध लोगों से मिलना, आध्यात्मिक लोगों से मिलना, लगभग समाज के हर वर्ग के वे लोग जो कहीं ना कहीं समाज की सेवा में, समाज की व्यवस्था में, समाज के साथ जुड़े हुए हैं, उन सब से उनका मिलना होगा, सबको उनसे मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इस अवसर पर आप हमारे चौथे स्तंभ भी होते हैं, एक बड़ी शक्ति आपके पास होती है लोगों तक जानकारी देना, लोगों तक पहुंचाना, लोगों तक प्रचार प्रसार करना, क्योंकि ऐसा महापुरुष जब आवें तो अधिक से अधिक लोग जब आवेंगे तो उनका लाभ होगा, लाभ होगा जितने अधिक से अधिक लोग कपूर या आसपास के इधर हमारा जो प्रयागराज पड़ता है ऐसे जगहों से भी लोगों का आने का बातें चल रही, सब लोग आ रहे हैं। तो आपसे मिलने का के पीछे रहा कि आपकी जानकारी के माध्यम से, आप लोगों के प्रचार प्रसार के माध्यम से उनके दिव्य आगमन की आयोजन है,